सभी लोगों को साथ थिएटर से जुड़े हुए लोगों को इस बात का एहसास होगा, बहुत लोग जाते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ लोग अपनी जड़ों को, अपनी जगहों को याद करते हैं, और वो बहुत बड़ी बात, बहुत इज्जत की बात है। इसलिए हम लोग ने सुशांत जी को आज यहाँ बुलाया और इनको ये इज्जत दे रहे हैं कि हमारे हाथ से एक ट्रॉफी है। आपकी बहुत ये बड़ी बात है, हमें सबको पता है कि आपकी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और आप यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं अपने लोगों से, और सब भाग दौड़ में आपको फोन आता है और जिनकी रिक्वेस्ट करते हैं, और विदाउट इवन, जैसे वो मैंने पहले कहा कि मैं कल बताता हूँ या परसों बताता हूँ या जी मैं देखता हूँ, मैं रात को बताता हूँ, स्ट्रेट अवे यस आई एम कमिंग, आई विल बी देयर। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, आई वांट यू टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ अस वर सिटिंग देयर, क्योंकि ये सब बच्चे भी आपको देख के ये सीखेंगे और समझेंगे कि हाँ, हमारे जो सपने जैसे ये पूरे हुए सच्चे हुए, हम भी कर सच्चे हैं। मैं बस थोड़े शब्दों में बोलना चाहूंगा कि आज एज एन एक्टर जो भी काबिलियत है मेरे अंदर, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ इस वजह से है कि इन 35 सालों में कुछ 2 साल मैं एकजुट के साथ था और बाजी से जितना कुछ सीख सका वही यूज करता आ रहा हूँ आज तक और काम चल रहा है। जूही जी ने प्ले डायरेक्ट किया था जिसका नाम था पुकार, जिसमें एक मोनोलॉग था और टाटा थिएटर में हम परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स आए थे तो उन लोगों ने मुझे टीवी पे मौका दिया, और लोग कहते थे कि टीवी से फिल्म में लोग जा नहीं पाते, लेकिन सब मुझे कहते हैं कि पैशन और डिसिप्लिन की वजह से, टैलेंट नहीं है उतना कंसिडर नहीं करते वो, लेकिन पैशन और डिसिप्लिन की वजह से मुझे काम मिल रहा है और मैं आज भी वही फिल्में कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और वो पैशन और वो डिसिप्लिन मैंने सिर्फ बाजी से लिया।